औरैया पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के पास से 48 किलो चंदन की लकड़ी व करीब 1 क्विंटल 5 किलो गांजा किया बरामद। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य से चंदन की लकड़ी व गांजा को स्काई किंग, ब्लू डॉट, दिल्ली वेरी तथा अन्य कोरियर कंपनियों के जरिए करते थे सप्लाई। चंदन व गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने पर अपर मुख्य सचिव व डीजीपी ने 50,000 रुपए से किया सम्मानित। जनपद के बेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इन सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसके तहत जो हमने ये गिरफ्तारी करी थी, ये एक इसमें एक गाड़ी बरामद हुई है, साथ में लगभग 1 क्विंटल 5 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद किया गया है और चंदन की लकड़ियां बरामद की गई हैं। इस सब की अगर कुल कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में देखें तो लगभग 45 लाख रुपये के आसपास ये बैठती है। इस सभी कार्रवाई को पूर्ण करने वाली जो हमारी टीम है, SWAT टीम है, उसको डीजीपी सर द्वारा और ACS होम सर द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया है और दोनों अधिकारियों द्वारा हमारे टीम का उत्साहवर्धन करने हेतु 50,000 का पुरस्कार भी घोषित किया है। साथ में प्रशस्ति पत्र के लिए भी डीजीपी सर ने सबको संस्तुति प्रदान करी है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से गोपनीय सूचना को डेवलप करके उसके ऊपर कार्रवाई करी है SWAT टीम को। मैं जनपद औरैया की SWAT टीम और थाना बेला की टीम को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो केरला के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, जो इस पूरे गांजे की तस्करी की रैकेट में इन्वॉल्व हैं, उन सब के ऊपर भी हमारे जनपद के स्तर से इसमें कार्रवाई होगी और उन सबको भी गिरफ्तार किया जाएगा।